हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जीएसटी के सेक्शन 9 के बारे में, सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये सेक्शन जो है वो हमें बताता है कि जीएसटी कैसे लगाया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, इस सब के बारे में ये सेक्शन में बताता है। इसमें बताया गया है कि जो भी टैक्स लगाया जाता है उसे CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, जो कि जितनी भी इंटरेस्टेड सप्लाई है उन पर लगाया जाता है उसे कहते हैं। यानी कि जो सेक्शन 9 है वो हमें बताता है कि जितना लेवी एंड कलेक्शन के बारे में, लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी कैसे लगाया जाता है और कैसे कलेक्ट किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जितनी भी इंट्रास्टेट सप्लाई होंगी, इंट्रास्टेट सप्लाई जो कि गुड्स और सर्विसेज या दोनों के गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की एक साथ जो होती है उसे हम बोलते हैं CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंट्रास्टेट सप्लाई पर जो भी GST या कलेक्ट होता है उसे बोलते हैं CGST कॉल्ड CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, सेक्शन 9 के बारे में, लेवी एंड कलेक्शन, इंटरेस्टेड सप्लाई जिसे कि CGST कहा जाता है, और वो सब चीज़ें जो कि GST के दायरे में फ़िलहाल से तो बाहर है लेकिन गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस दैम, वो उन्हें फ्यूचर में GST के दायरे में ला सकती है बाय कंसर्निंग विद बोर्ड, जो कि बोर्ड है GST का बोर्ड, उसके साथ बातचीत करने के बाद में भी वो फ्यूचर में GST के दायरे में आ जाए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन वगैरह जो भी कि GST के दायरे से बाहर है, इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और थोड़ा बहुत और भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST, इसमें लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, यानी कि सब सेक्शन 2 की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। सबसेक्शन 2 की प्रोविजंस क्या है कि द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल शैल बी लेवीड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। यानी कि पेट्रोलियम क्रूड, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल यानी कि डीजल वगैरह, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल को छोड़कर सभी जो चीज़ें हैं उन पर जो है वो GST अगर लगेगा, तो उसके बारे में बताया गया है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि इन पर नहीं लगेगा जब तक कि गवर्नमेंट जो है काउंसिल के साथ मिलकर रिकमेंडेशन से उसकी इन्हें नोटिफाई नहीं कर देती, तब तक के लिए
सिर्फ सबसेक्शन वन में आने वाली सभी चीज़ों पर जो है जीएसटी लगेगा, सबसेक्शन टू को छोड़कर। सबसेक्शन टू में ये पांच चीज़ें आती हैं। तो सबसेक्शन वन में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन टू देर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज, जितनी भी इंट्रास्टेट सप्लाई होती है। इंट्रास्टेट सप्लाई क्या हुई? इंट्रास्टेट सप्लाई मीन्स विद इन द सेम स्टेट, मीन्स अगर आप दिल्ली के हो और जो सप्लाई है वो दिल्ली से दिल्ली में हो रही है, या फिर आप पंजाब से हो, लुधियाना से अमृतसर सप्लाई कर रहे हो, तो वो विद इन द सेम स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट, या लुधियाना से लुधियाना कर रहे हो। ये जो जितनी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रही है ये सेम स्टेट में है, इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जितनी भी ये सप्लाई होती है उन पर जो जीएसटी लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि सीजीएसटी, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि लीकर को भी इससे बाहर रखा गया है। लीकर की सप्लाई पर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, शराब वगैरह, उसकी कंजम्पशन पर जो है वो जीएसटी नहीं लगता, सीजीएसटी नहीं लगता। एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमिंड अंडर सेक्शन 15 एंड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। सेक्शन 15 में बताया गया जो वैल्यूज बताई गई हैं, जो कि हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, उनमें जो बताई गई हैं उन रेट्स पर ही जो है जीएसटी अप्लीकेबल होगा, नॉट एक्सीडिंग 20%, यानी कि इसकी सीलिंग जो है 20% कर दी गई है। मतलब जीएसटी में कोई भी टैक्स जो है वो 20% की सीलिंग को क्रॉस नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि आईएस जो हमारी लग्जरी गुड्स है उस पर तो 28% लगता है, इस पर तो 20% दिया, ऐसा नहीं है। 20% मीन्स 20% एसजीएसटी एंड 20% सीजीएसटी मीन्स मिलाकर 40%, क्योंकि इंटरेस्टेड सप्लाई में टैक्स को सीजीएसटी बोलते हैं, तो सीजीएसटी नॉट एक्सीड 20% मीन्स जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी लगता है। तो 20% सीजीएसटी एंड 20% एसजीएसटी, ये दोनों मिलाकर यानी कि कुल मिलाकर 40% से ऊपर का जीएसटी नहीं लग सकता किसी भी सप्लाई पर। तो इसलिए हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट जो अभी तक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है लग्जरी गुड्स पर 28% है, जो कि 14% बनता है सीजीएसटी एंड 14% बनता है एसजीएसटी। जैसे कि हमारे जीएसटी लॉ में बताया गया है कि 50-50% दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शेयर करेंगी टैक्सेस आपस में, जो कि हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाई द टैक्सेबल पर्सन। सबसेक्शन वन, सबसेक्शन टू हो गया, अब बारी है सबसेक्शन थ्री की। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपियंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सबसेक्शन थ्री में बताया गया है आरसीएम के बारे में, सेक्शन नाइन सबसेक्शन थ्री में बताया गया है आरसीएम के बारे में, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें कि जो जीएसटी है वो सप्लायर की बजाय जो रिसिपियंट है वो पे करेगा। 12 ऐसी सर्विसेज हैं आरसीएम में जो कि हम आगे देखेंगे, जिस पर कि जो जीएसटी है वो बजाय सप्लायर के जो है रिसिपियंट पे करता है। गवर्नमेंट ने जो जिम्मेदारी है वो रिसिपियंट की लगा दी है कि उसे जीएसटी पे करना है इन 12 सर्विसेज जो कि आईपीसी लेवल के लिए, हमारे लेवल के लिए बताया गया है सिलेबस में है। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। गुड्स के बारे में बताया गया है फाइनल में, गुड्स और सर्विस बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपियंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रिसिपियंट, यानी कि रिसिपियंट पर एप्लीकेबल हो जाएंगी एज इफ ही इज द पर्सन लाइबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि रिसिपियंट को पे करना पड़ेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, द सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड बाय सच पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एज अ रिसिपियंट एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रिसिपियंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ।
क्या बोल रहा है सब सेक्शन फोर, द सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बोथ बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन से गुड्स या सर्विसेज लेते हो जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे पर्सन से ली गई गुड्स और सर्विस को जो जीएसटी है वो रिसिपिएंट के द्वारा पे किया जाता है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि वो सारी जो जीएसटी की जो भी शर्तें हैं वो रिसिपिएंट को पूरी करनी पड़ेगी, टैक्स उसे पे करना पड़ेगा अगर वो ऐसे किसी व्यक्ति से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर दोनों और बोथ लेता है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट and all the provisions of this act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services. एक बार फिर से पढ़ते हैं, the government may on the recommendations of the council, यानी कि government council की जो कि GST council उसकी recommendations पर notify कर सकती है by notification take कर स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज की कैटेगरीज को स्पेसिफाई कर सकती है, बता सकती है, नोटिफाई कर सकती है द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ विच, जिसकी कि इंट्रास्टेट सप्लाई पर जो टैक्स है विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है मीन्स जैसे कि ऑनलाइन जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, उन अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से जो हमें सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं उनके थ्रू से जो व्यापारी हमें सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ ही इज अ सप्लायर लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, यानी कि वो इंडिया में नहीं है या अगर इंडिया में है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आगे पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि अमेजोन को जो कि एक अमेरिकन कंपनी है उसको कोई अगर व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में, एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पस इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लाइबल टू पे टैक्स, जो भी है वो व्यक्ति जो कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमेजोन को इंडिया में वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, आगे और क्या बताया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है एंड ऑल्सो ही डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द सेट टेरिटरी और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है उस टेरिटरी में, सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट अ पर्सन, उसे एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा, एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जिसकी डेफिनेशन देख चुके हैं उस हिसाब से इन द टैक्सेबल टेरिटरी में फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स एंड सच पर्सन शैल बी लाइबल टू पे टैक्स। क्या है 9 सबसेक्शन 5, ये बताता है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि हमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, अगर तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में तो ठीक, अगर फिजिकल प्रेजेंस टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है वो लाइबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, अगर कोई नहीं है तो उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा जीएसटी पे करने के लिए कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल अमेजोन, ठीक, अमेजोन को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिकली सभी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आज के इस सेशन में हमने सेक्शन 9 और सब 5 सब सेक्शन उसके पढ़े जिसमें कि बताया गया था लेवी एंड कलेक्शन के बारे में, जिसमें कि हमने देखा सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 की सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, जो भी टैक्स
इंट्रास्टेट जितनी भी सप्लाई होती है उन पर लगने वाले टैक्स को कहा जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि किसी भी हाल में 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता फिलहाल के लिए, नोट मोर देन 20%, इससे ज़्यादा जो है CGST नहीं हो सकता। एंड और हमने क्या देखा था, ये था हमारा 9.1। फिर हमने देखा था 9.2, जिसमें कि पांच चीज़ें ऐसी बता दी जिस पर कि जो है वो GST एप्लीकेबल जो है नहीं होता, कौन सी हैं वो पांच चीज़ें। ये हो गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन जिसमें कि बताया गया इंटरेस्ट रेट सप्लाई कॉल्ड CGST, जो कि नॉट मोर देन 20% हो सकती। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 2 की, जिसमें कि बताया गया है कि इन चीज़ों पर जो है वो अभी GST जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल अंटिल उसे नोटिफाइड नहीं कर दिया जाता। कौन सी है वो पांच चीज़ें, तो होगा हमारा पेट्रोल इस पर कि ये GST जो है नहीं लगेगा, दूसरा होगा हमारा डीजल, तीसरा हमारा हो जाएगा नेचुरल गैस, फोर्थ हमारा हो गया एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड लास्ट वन जो होगा वो होगा मोटर स्पीडिंग की, वो तो ही गया पेट्रोलियम क्रूड, जिस पर कि जो GST है वो नहीं लग रहा फिलहाल के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सबसेक्शन 3, जिसमें कि हमने देखा कि द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बाय द रिसिपिएंट, यानी कि हमने इसमें क्या देखा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि रिवर्स चार्ज जिसमें कि जो टैक्स है वो पे किया जाता है रेसिपिएंट के द्वारा, टैक्स इज पेड बाय रेसिपिएंट। के बाद हमने देखा सबसेक्शन 4, जिसमें कि हमने देखा द सेंट्रल टैक्स रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बोथ बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड जो है टू अ टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड बाय सच पर्सन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि अगर हम किसी नॉन टैक्सेबल पर्सन से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टैक्सेबल पर्सन देन सच रिसिपिएंट is liable to pay tax
to pay tax on reverse charge basis. ये देखा हमने subsection 9(4) में. अब subsection 5 जो है वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो है वो टैक्स कैसे पे किया जाएगा. अगर तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज अगर वो खुद उसकी फिजिकल प्रेजेंस है टैक्सेबल टेरिटरी में, फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन वो खुद पे करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होगा बाय इटसेल्फ. टैक्सेस पेड बाय इटसेल्फ. दूसरा क्या हो सकता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी जो है फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, नो फिजिकल प्रेजेंस, देन नो फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी. नो फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन टैक्स कौन पे करेगा, देन उसके द्वारा अपॉइंटेड पर्सन. टैक्स इज पेड बाय पर्सन अपॉइंटेड बाय इन टैक्सेबल टेरिटरी. एंड अगर नो ना तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस है फिजिकल प्रेजेंस है टैक्सेबल टेरिटरी में, ना ही कोई पर्सन अपॉइंटेड किया गया है उसके द्वारा, देन ही हैज टू नो फिजिकल प्रेजेंस, नो पर्सन appointed, then he has to appoint a person who will be liable tax, who will be liable to pay tax. ये हमने देखा, ये इसके मेन सेक्शन 9 के सब सेक्शन 5 के ये पांच जो की पॉइंट्स है जो दिमाग में रखना जरूरी है, जिनके की बेस पर ये सभी चीज़ें जल्दी से याद आ जाएंगी और एग्जाम में लिखने में आसानी होगी. दोस्तों आई होप आज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.